हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल ईजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एएसआरबी नेट की एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम जो फर्स्ट यूनिट है उसके कंप्लीट शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे पहले, उसके बाद हम इसकी जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। डिटेल वीडियोस के अंदर हम हर चीज़ को कंप्लीट करेंगे, जैसे थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया और उसके अंदर क्या क्या होता है, एट किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम उसके अंदर हर चीज़ कवर करते चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिसके हिसाब से हमें बोला गया है कि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आया था, उससे हमें बोला गया था कि सितंबर मंथ में हमारे क्या आ जाएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे और दिसंबर में हमारा पेपर होगा। लेकिन सितंबर में हमारा कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आया अभी तो। पिछली बार क्या हुआ था, जो एएसआरबी नेट का पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ था, जो पेपर से पहले 10 दिन पहले ही क्या आए थे, वहाँ पर फॉर्म आए थे। तो हमारा जो उसके हिसाब से हम नोटिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं तो जो दिसंबर है हमारा वो नज़दीक है, तो उसके हिसाब से पहले हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं हमारे उनको कवर करके चलते हैं, बाद में हम जो हमारी डिटेल वीडियोस हैं उनको कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले कौन आए थे, अर्नेस्ट हैकल आए थे 1866 में। उन्होंने क्या किया था, सेपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू थ्री ग्रुप्स। इन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सेपरेट किया था तीन ग्रुप्स के अंदर, जो थे प्लांट, एनिमल्स और प्रोटिस्टा। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वर इंक्लूड इन प्रोटिस्टा, उनको किस में इंक्लूड किया गया था, प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद हमारा आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 1969 में किसने प्रपोज्ड किया था, आर एच विटेकर ने प्रपोज्ड किया था, और इसके अंदर उन्होंने किस किस को रखा था, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को और एनिमलिया को। ये जो क्लासिफिकेशन थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, एनर्जी यील्डिंग सिस्टम और सेल एनाटॉमी के ऊपर बेस्ड थी। यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे इन द किंगडम ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस। यहाँ पे जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो डिफाइन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस, जैसे कि हमने पढ़ा है 16S आरआरएनए सीक्वेंस। ये हमारी क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बताती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइन किया गया था किसके बेसिस पे, राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस के बेसिस पे। उसके बाद हमारा आता है मोनेरा, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है। यहाँ पे जितने भी प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, इंक्लूड है। एग्जांपल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। जो साइनोबैक्टीरिया है उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, और जो माइकोप्लाज्मा है उसकी जो शेप है, उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होती है, फ्राइड एग के जैसी होती है। साइनोबैक्टीरिया हेट्रोसिस्ट की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है प्रोटिस्टा, जो कि इसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मतलब ये कंसिस्ट करके रखता है, बट जो ट्रू टिश्यूज होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे जो हमारे एग्जांपल हैं वो है एल्गा, प्रोटोजोआ, डाई एटम्स। डाई एटम्स को हम गोल्डन एल्गा और क्रिसोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर एग्जांपल्स आएंगे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। थर्ड हमारा ग्रुप है फंजाई। यहाँ पे जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टी न्यूक्लियेट ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, इंक्लूड है। यहाँ पे यूनिसेलुलर मतलब इनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, और मल्टीसेलुलर मतलब इनके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो मेंबर्स हैं वो एब्जॉर्प्टिव टाइप न्यूट्रिशन, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, यूनिसेलुलर के अंदर हमारे एग्जाम्पल है यीस्ट और मोल्ड, और मशरूम है हमारा मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है एनिमलिया ग्रुप, जिसको हम एनिमल्स ग्रुप भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स क्या होते हैं, इनके अंदर जो सेल वॉल है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स नॉट कंटेन डिवॉइड ऑफ सेल वॉल।
इसके बाद जो इंजेक्शन है वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, सभी एनिमल्स इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारा प्लांट्स का ग्रुप आता है जिसको हम प्लांटे बोलते हैं। यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं वो क्या कर होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस, मतलब ये सनलाइट के थ्रू क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। इनका जो एग्जांपल है वो है ऑल प्लांट्स। इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, जिससे वो क्या करते हैं, सन से सनलाइट लेते हैं और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। अब जो एट किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दी थी, वो दी थी स्मिथ ने, और ये किसके ऊपर बेसिस थी, अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेसिस थी। इन्होंने डिवाइड किए थे दो ग्रुप्स, ऑल ऑर्गेनिज्म इंटू टू एम्पायर्स, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। सबसे पहले हमारा आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर दो किंगडम्स इंक्लूड हैं, फर्स्ट है यू बैक्टीरिया एंड सेकंड है आर्के बैक्टीरिया। जो यूकैरिया है उसके अंदर छह किंगडम्स हैं, आर्कीजोवा, प्रोटोजोवा, प्लांटे, क्रोमिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया, ये हमारे यूकैरियोटा के अंदर है। अब जो किंगडम क्रोमिस्टा है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, उसके अंदर डायएटम्स, ब्राउन एल्गा, क्रिप्टोमोनोर्स और ओमाइसिटीज हमारी क्या है, इंक्लूड है। द मेंबर ऑफ क्रोमिस्टा आर फोटोसिंथेटिक एंड देयर क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द लूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रूटिकुलम, नॉट इन साइटोप्लाज्म। जो मेंबर हैं क्रोमिस्टा ग्रुप के वो क्या है, फोटोसिंथेटिक है, और इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो लूमन के अंदर, जो लूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ना कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा आता है थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। ये जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो कार्ल व्यूज ने दी थी 1990 में। इसके अंदर तीन ग्रुप्स बांटे गए थे, आर्के बैक्टीरिया, यूकैरिया और यू बैक्टीरिया। जो आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हैं ये क्या सिमिलरिटीज शो करते हैं, मतलब इनका जो ओरिजिन है वो एक ही जगह से हुआ है। यहाँ के अब आता है जो यूकैरिया है, यूकैरिया इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म विच पोजेस ग्लिसरॉल फैटी डाइस्टर एज मेम्ब्रेन लिपिड फॉर यूकैरियोट्स आरआरएनए। जो यूकैरिया है उसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स पर इंक्लूड होते हैं जो ग्लिसरॉल फैटी डाइस्टर को क्या करते हैं, अपने मतलब एज ए मेम्ब्रेन लिपिड अपने पास रखते हैं। फिर जो बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ मेंबर सच एज हैव लिपिड एस डाइएसाइल ग्लिसरॉल डाइएस्टर, इनके पास क्या होता है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर डाइएसाइल ग्लिसरॉल डाइएस्टर प्रेजेंट होता है। जो मेंबर ऑफ डोमेन आर्किया कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रिनोइड ग्लिसरॉल डाइएस्टर लिपिड इन देयर मेम्ब्रेन एंड हैव आर्के बैक्टीरियल आरआरएनए। जो आर्किया मेंबर हैं डोमेन आर्किया के, उनकी जो सेल वॉल है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे आइसोप्रिनोइड ग्लिसरॉल डाइएस्टर लिपिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आर्किया इंक्लूड मिथेनोजेंस, एक्सट्रीम थर्मोफिलिक और एक्सट्रीम हेलोफाइल्स। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, जो मतलब ज़्यादा मिथेन की कंसंट्रेशन में भी क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। थर्मोफाइल्स वो होते हैं जो हायर टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव कर लेते हैं, और हेलोफाइल्स क्या होते हैं, जो एक्सट्रीम सोल्टी कंडीशंस में भी क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। मोल्ड, यीस्ट, बेसिडोमाइसिटीज, एल्गा एंड प्रोटोजोवा आर इंक्लूडेड इन यूकैरिया। ये कहाँ पे इंक्लूड होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं यूकैरिया के अंदर। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम कवर करेंगे क्लेमाइडिया को, टिक्टेशिया को, माइकोप्लाज्मा को, स्पायरोप्लाज्मा को, इनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है रिक्टेशिया। यहाँ पे दो सब ग्रुप हैं, रिक्टेशिया और क्लेमाइडिया। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्टेशिया। तो जो रिक्टेशिया है वो क्या है, मोस्टली ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट और म्यूचुअलिस्टिक विद यूकैरियोटिक होस्ट वर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोड्स। ये क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है और म्यूचुअल एसोसिएशन शो करते हैं यूकैरियोटिक होस्ट के साथ, जो कि है वर्टिब्रेट और आर्थ्रोपोड्स। इनकी सेल वॉल के अंदर म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये ग्लूटामेट को यूज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। रोड शेप्ड होते हैं, पिलियोमॉर्फिक होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं और इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। पिलियोमॉर्फिक मतलब ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जो पैरासिटिक स्पीसीज हैं वो फाउंड विद वर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोड्स। म्यूचुअलिस्टिक स्पीसीज आर फाउंड इन इंसेक्ट्स।
अब इनके जो इम्पोर्टेंट जेनेरा हैं वो हैं बार्ट्रोना, बार्ट्रोनेला, ग्रहामेला, रोक्लिमिया। इनकी ये क्या है, इसके इम्पोर्टेंट जेनेरा हैं। जो होवार टी रिक्टेस हैं उन्होंने क्या किया था, फर्स्टली आइडेंटिफाई किया था रिक्टेशिया को दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज द कोजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कोल्ड टाइफस एंड रॉकी माउंटेन फीवर। ये क्या कोज कर रहा था, टाइफस और रॉकी माउंटेन फीवर को कोज कर रहा था। जो रिक्टेशिया है वो कोकोबेसिलस शेप्ड बैक्टीरिया है। रिक्टेशिया कैन बी कल्चर्ड ओनली इन एम्ब्रियोनेटेड एग एंड ग्रो एट 35 डिग्री सेल्सियस। ये क्या करता है, कल्चर करता है एम्ब्रियोनिटिक एग्स, कैन बी कल्चर्ड ओनली इन एम्ब्रियोनिटेड एग और ग्रो करता है 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब जो तीन टाइप हैं टाइफस फीवर के जो कि रिक्टेशिया कोज करता है वो है एपिडेमिक टाइफस, ब्रिल जिंसर डिजीज और रिक्रेसडेंसिट टाइफस। एक है एपिडेमिक टाइफस एलिसिट्स। उसके बाद हमारा आता है रिक्टेशिया तशु टारग्यूमुसी। ये क्या कोज करता है, स्क्रब टाइफस को यूज करता कोज करता है एंड ग्रो इन न्यूक्लियाई और ग्रो करता है न्यूक्लियाई पे। उसके बाद हमारा कोक्सिला रोकामिले क्वांटाना, ये ट्रेंच फीवर को कोज करता है और ये एक अकेला जीनस ऐसा है जो कि आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर जाता है। फिर है हमारा बार्ट्रेना हेमसिला, ये क्या करता है, बैसिलरी एंजियोमेटेसिस को कोज करता है और जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देता है। फिर है हमारा कोक्सिला बर्निटी, ये क्यू फीवर को डिजीज करता है, क्यू फीवर को कोज करता है विच इज़ निमोनिया लाइक डिजीज। नेक्स्ट हमारा आता है क्लेमाइडिया, ये क्या है, नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट है, कोकोइड बैक्टीरिया है, मल्टीप्लाई करता है विद द मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ह्यूमन सेल, अदर मैमल और बर्ड। पैथोजोनिक होता है, ये स्मॉल होता है 0.2 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर तक, रोड और कोकाइड शेप्ड का होता है, ग्राम नेगेटिव होता है और इसके पास डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो सेल वॉल है उसके अंदर सेल वॉल डिवॉइड ऑफ म्यूरामिक एसिड एंड डोंट यूज द ग्लूकोज टू एटीपी प्रोडक्शन। ऊपर हमने क्या पढ़ा, वो ग्लूटामेट को यूज़ कर रहा था किसके लिए, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर रहा। ये क्या होता है, जो होस्ट एटीपी सेल है उसके अंदर क्या करता है, डिपेंड होता है। अब ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लार्ज और स्मॉलर। जो लार्ज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलर बोलते हैं, जो कि नॉन इन्फेक्शियस होती हैं विद फ्लेक्सिबल सेल वॉल। जो स्मॉलर हैं उनको हम एलिमेंट्री बॉडी बोलते हैं, ये क्या होती हैं, इन्फेक्शियस होती हैं। जो रेटिकुलेट बॉडी हैं वो डिवाइड करती हैं बाय द बाइनरी फ्यूजन। थ्री स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडिया, पसिटेलेसिस विच कोज सेवरियर निम्यूना इन ह्यूमन एंड पैरट फीवर, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस कोज आई इन्फेक्शन ट्रेकोमा। और जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस ये क्या करती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कोज करती है, जैसे कि लिम्फोग्रेनुलोमा वेन्यूरसम, इसको क्या करती है, कोज करती है। यहाँ पे हमने तीन स्पीसीज पढ़ी जो कि अलग अलग क्या कर रही हैं, डिजीज को कोज कर रही हैं। जो क्लेमाइडिया है वो किससे ट्रांसमिटेड होती है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है। जो जनरेशन टाइम है वो 2 से 3 घंटे का है, जो कि फास्टर है किससे, रिक्टेशिया से। नेक्स्ट हमारा आता है प्लैंक्टोमाइसिटिस, ये क्या है, मोस्ट अनयूजुअल मेंबर है बैक्टीरिया फैमिली से। ये क्या है, 1900 में फर्स्ट टाइम दे वर बी आइसोलेटेड फ्रॉम एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट से इसको क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था। इसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, सेल वॉल लैक पेप्टाइडोग्लाइकन सेम एज क्लेमाइडोमिनास क्लेमाइडियाज। यहाँ पे भी क्या नहीं होता, जो म्यूरामिक एसिड है मतलब जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो क्या नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। इसके जो इम्पोर्टेंट जेनेरा हैं वो हैं पीरुलिला, गिमेटा, प्लैंक्टोमाइसिस, आइसोफेरा, पैलिडा। ये क्या है, इसके इम्पोर्टेंट जेनेरा हैं। ये नॉन कल्चरेबल है। जो प्लैंक्टोमाइसिस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एनएरबिक नाइट्रिफिकेशन के अंदर, इन विच अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट और एक्ट करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद हमारी आती है वर्मी वेरू माइक्रोबायोटा। यहाँ पे ये मोस्टली फाउंड किसके अंदर मिलता है, सोयल और एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर मिलता है। नॉन कल्चरेबल होता है। जो 16S rRNA सीक्वेंस है वो क्या होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है।
प्रोस्थिको बैक्टीरिया और वेरू माइक्रोबियम हेटरोट्रोपिक एक्वेटिक बैक्टीरिया। जो प्रोस्थिको बैक्टीरिया है ये होल्ड फास्ट फॉर अटैचमेंट टू एल्गा। ये क्या करता है, इसके अंदर होल्ड फास्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि एल्गा के अटैचमेंट के लिए यूज़फुल होते हैं। जो वेरू माइक्रोबियम है इसके अंदर अल्फा और बीटा जीन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ट्यूबुलिन सिंथेसिस। जो ट्यूबुलिन जीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। उसके बाद हमारा आता है जाइफिनिमेटोबैक्टर। ये क्या है, एक प्रोटीन सिम्बायोटिक है जिसको हम सरफेस टेंजर के नाम से भी जानते हैं, रेफर्ड एज एपी जीन मोसोम। ये जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करता है प्रोटीनियस हार्पून को। उसके बाद हमारी फिफ्थ है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है वो बिलोंग करता है टिनेरिक्यूट से। उसके बाद इसके अंदर क्या है, जो सेल वॉल है वो सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, मतलब इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इसका जो साइज है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा साइज होता है। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल प्रोकैरियोट्स डिवाइड ऑफ सेल वॉल, कंसिस्ट ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिर्फ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। रेजिस्टेंट होती है पेनिसिलियम से एंड सेंसिटिव टू लाइसिस बाई ऑस्मोटिक सोस सोक डिटर्जेंट एंड एल्कोहल। रेजिस्टेंस किसके होती है, पेनिसिलियम से होती है, और सेंसिटिव होती है लाइसिस से बाई द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक सोक डिटर्जेंट और एल्कोहल। ये क्या होती है, पिलियोमॉर्फिक होती है, 0.3 से लेके 0.8 मीटर तक होती है डायमीटर के अंदर। नॉन मोटाइल होती है लेकिन ग्लाइडिंग मूवमेंट को शो करती है इन लिक्विड सरफेस। ग्राम नेगेटिव होती है, मोस्टली रिक्वायर स्टीरोल्स एंड फैटी एसिड इन देयर ग्रोथ मीडिया फॉर ग्रोथ, फैकल्टेटिव एनेरोबिक्स, फ्यू आर ओब्लिगेट एनेरोब्स। इसकी जो शेप है, अपीयरेंस है, वो कैसी होती है, फ्राइड एग के जैसी होती है। ऑल आर पैरासाइट्स कमल्स और सेप्रोफाइट बट सेवरल आर पैथोजेनिक टू ह्यूमन एंड प्लांट्स एंड इंसेक्ट। ये क्या होती हैं, कुछ है, मतलब जो सारी हैं वो क्या हैं, पैरासाइट्स होती हैं, कमल्सिलिज्म भी शो करती है और सेप्रोफाइट्स भी होती हैं, लेकिन कुछ एक क्या होती हैं, पैथोजेनिक होती हैं ह्यूमन्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी और इंसेक्ट्स के लिए भी। जो मोलिकुलर जी प्लस सी रेशियो है, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन रेशियो है इन डीएनए रेंजेस, वो कितना है, 23 से लेके 40 तक है। जो माइकोप्लाज्मा है उसके दो सेपरेट ग्रुप है, माइकोप्लाज्मा एनेरोप्लाज्मा यूरोप्लाज्मा। इनको किसकी ज़रूरत होती है, स्टीरोल की ज़रूरत होती है। जो एकेलोप्लाज्मा एस्टेरोप्लाज्मा और थर्मोप्लाज्मा है इनको स्टीरोल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद हमारा आता है माइकोप्लाज्मा और एनेरोप्लाज्मा, इनके पास लाइपोग्लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पायरोप्लाज्मा और यूरोप्लाज्मा के अंदर लाइपोग्लाइकन्स प्रेजेंट नहीं होते। यूजीए कोडोन इज रीड एज ट्रिप्टोफान सिग्नल। ये क्या करता है, जो ट्रिप्टोफान सिग्नल है उसके लिए रीड करने के लिए, मतलब रीड करता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स। नेक्स्ट है हमारा स्पायरोप्लाज्मा। इसकी जो शेप है वो पिलियोमॉर्फिक होती है, हेलिकल होती है, ब्रांच टू स्पेरिकल और ओवॉइड शेप होती है। लोकोमेट्री ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कैलेस्ट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। आइसोलेटेड फ्रॉम टिक्स हीमोलिम्फ एंड गट्स ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम वस्कुलर प्लांट फ्लूड्स। जो जी प्लस सी रेशियो है इसके अंदर वो 25 से 31 डिग्री सेल्सियस तक 25 से लेके 31% तक प्रेजेंट होता है। इसका जो एग्जांपल है वो है स्पायरोप्लाज्मा सिट्री, और इसको इसकी जो मतलब सिट्री मतलब सिट्रस। ये थी हमारी यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।